खंडवा संसदीय सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव हेतु कांग्रेस ने ठाकुर राज नारायण सिंह को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। अरुण यादव के खंडवा से चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी ने पूर्व विधायक राज नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। राज नारायण सिंह दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में खंडवा सीट पर कांग्रेस की जीत का दारोमदार दिग्विजय सिंह पर होगा। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होने के पश्चात सबसे पहले ठाकुर राज नारायण सिंह दादा दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने श्री धोनी वाले दादाजी की समाधि पर मत्था टेका, जिसके बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भाजपा कई मुद्दों पर विफल हुई है। निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की विफलता ही लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा होगी, जिसका इस चुनाव में जनता जवाब देगी। दादाजी महाराज की जय और ओंकार महाराज की जय। कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने जो मेरे पर भरोसा किया है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, और प्रजातंत्र प्रजा जो मालिक होती है उन मालिकों के भरोसे ही ये वैतरणी पार होगी। और भारतीय जनता पार्टी मतलब कितने ही मुद्दे हैं जिन पर पूर्ण रूप से विफल हुई है, उसका उनकी विफलताओं का जवाब जनता देगी, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है। वो प्रजा भी आज इतनी समझदार हो गई है कि वो 2014 से दिल्ली में सरकार बनी, उनकी कितनी विफलताएं, चाहे महंगाई हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सरकारी प्रॉपर्टी को निजीकरण में दे रहे हो, ऐसे अनेकों कई मुद्दे हैं, उस पर बीजेपी फैल हुई है और उसका इस चुनाव में जनता जो है बहुत मोटा संदेश देने वाली है। और यहाँ से कांग्रेस जो है भारी मतों से चुनाव जीते। स्थानीय मुद्दे तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। वो इंडिया लेवल का मुद्दा है, उसको स्थानीय मुद्दा कह दो। अब स्थानीय मुद्दे में तो किसान को खाद मिलता ही नहीं, और खाद अगर मिलता है तो उसकी 500 रुपये 600 रुपये जो है आपकी DAP की बोरी में कीमत बढ़ गई है। यानी किसान जो है, आप ये देखो कि गांव में आज के ज़माने में मकान बनाता है तो आज लोहे के दाम कहाँ चले गए हैं, सीमेंट के दाम कहाँ चले गए हैं। तो महंगाई इतनी सबसे ज़बरदस्त अगर कोई चीज़ है तकलीफदायक तो महंगाई है। मतलब कॉन्स्टेंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टेंसी के लोगों का ये सोच था कि भाई इस कॉन्स्टेंसी का ही कोई उम्मीदवार बने बहुत वर्षों के बाद में। ऐसा पहली बार हुआ है कि पार्टी ने स्थानीय व्यक्ति को मौका दिया। 70 वर्षीय ठाकुर राज नारायण सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जो 3 बार मानधाता, पूर्व में निमाड़खेड़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। खंडवा जिले के मानधाता विधानसभा सीट, जिसे पूर्व में निमाड़खेड़ी विधानसभा के नाम से जाना जाता था, निमाड़खेड़ी विधानसभा वर्ष 2008 में इस विधानसभा का नाम बदलकर मानधाता विधानसभा कर दिया गया। वर्ष 1985 में ठाकुर राज नारायण सिंह पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़कर विजयी घोषित हुए और विधायक बने। उसके बाद वर्ष 1998 में पुनः ठाकुर राज नारायण सिंह विधायक बने। इसके बाद वर्ष 2003 में भी ठाकुर राज नारायण सिंह ने विजय का झंडा फहराया। कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह के निकटस्थ रहे कांग्रेस नेता राज नारायण सिंह, जिन्हें पूर्व में कांग्रेस पार्टी से बगावत करने पर निष्कासन भी झेलना पड़ा था, विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 से पहले उनकी कांग्रेस में वापसी हुई थी। 70 वर्षीय ठाकुर राज नारायण सिंह कभी अरुण यादव के घोर विरोधी के रूप में जाने जाते थे। कुछ वर्षों से पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव से संबंधों में खटास थी, लेकिन इनके पुत्र उत्तम पाल को कांग्रेस से विधानसभा का टिकट मिलने के बाद अरुण यादव और राज नारायण सिंह में राजनीतिक दूरियां कम हुई।